नमस्ते दोस्तों, ट्रू इंस्पिरेशनल सीरीज में फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक गुज्जर, यूथ मोटिवेशन स्पीकर। आज हम एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से मुलाकात करने जा रहे हैं जो पर्सनालिटी ने मेजोरिटी यूथ को जो अभी स्टडी कर रहे हैं, वो 10th में है, 11th में है, 12th में है, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्वरूप जरूर बनेंगे। इज नन अदर देन माहिद गढ़ीवाला। यस फ्रेंड, 53 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिल्वर मेडल विनर जो माहिद गढ़ीवाला जी है। आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं माहिद जी के साथ, उसकी सक्सेस स्टोरी, उसकी जो हार्डवर्क है, उसकी जो स्ट्रगल है, और साथ ही साथ आज हमारे लिए गर्व की बात ये भी है कि उसके पेरेंट्स भी हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़े हैं। तो कुछ पेरेंट्स को रिलेटेड पॉइंट्स भी हम उसके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि मेजोरिटी पेरेंट्स को भी आइडिया आ सके। तो इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी ओलंपियाड और ओलंपियाड से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में भी इन्फॉर्म हो सके। तो माहिद जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको भी देख रहे हैं जो आपके साथ 12th में, क्योंकि माहिद जी अभी 12th साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं ई ग्रुप में, तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 12th में अभी हैं, तो आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत आइडिया दे ताकि पार्टिसिपेंट को बता सकूं। मेरा नाम माहिद गढ़ीवाला है, मैं स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। अभी 12th स्टैंडर्ड में मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैंने बायोलॉजी भी एज अ फोर्थ सब्जेक्ट लिया हुआ है क्योंकि मुझे बायोलॉजी ऐसे बहुत पसंद है। और मुझे ये ओलंपियाड जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मेजोरिटी यूथ को तो यही पता नहीं कि ओलंपियाड क्या है, तो सबसे पहले ओलंपियाड में पार्टिसिपेट होने की सोच या मुझे ये करना है, ये सोच कब से बनी और कहाँ से आई? जब कभी कभार न्यूज में भी देखते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, फिर जब एलन में आया, स्कूल में आया, तब धीरे धीरे पता चला कि ऐसे ओलंपियाड भी होते हैं यहाँ पे। जो मेडलिस्ट थे कई बार उनसे बातें भी हुई है मेरी, तो तब से मुझे एक इंस्पिरेशन सा रहा था कि कभी मैं एक ओलंपियाड में कोई एक मेडल लूं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन माहौल एक बहुत इंपैक्ट करता है। मैं जी, जैसे आपने बात की कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में आप सिल्वर मेडल विनर है, लेकिन इससे पहले भी आपने गोल्ड मेडल हासिल करके कहीं इंडिया को प्राउड दिलाया था और आपके लिए भी प्राउड मोमेंट थी। और वो जो एक्सपीरियंस है, एक आध बार आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कहीं हो सकता है कि आपकी इस बात से बहुत सारे स्टूडेंट का भी ड्रीम बन जाए कि मुझे ओलंपियाड विनर बनना। 2019 में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में मैंने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें इंडिया नंबर वन कंट्री विनर आई थी। तब जब गोल्ड मेडल मेरा नाम अनाउंस हुआ था और मैं जब इंडिया का फ्लैग लेके स्टेज पे गया था, तब मुझे दिल में ऐसा हुआ था कि मुझे एक बार वापस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल स्टेज पे और इंडिया का फ्लैग वापस लहराना है। तो वही मोटिवेशन से मैं आगे और तैयारी की और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिल्वर मेडल। राइट। और मई जी, जो ये जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही थी, आपका स्केड्यूल क्या था, कितनी मेहनत आपकी लग रही थी, ताकि कहीं ये 20 स्टूडेंट साथ साथ में समझ ले कि भाई कुछ पाने के लिए आपको कितनी मेहनत भी करनी पड़ती। मेरी सुबह शाम तो क्लास ही रहती थी, फिर जो बचे हुए टाइम होते थे उसमें सिर्फ पढ़ाई करता था, सिर्फ आधा घंटा जितना मैं रिफ्रेश होने के लिए टीवी देखता था। सुबह से मेरी स्कूल होती थी, फिर एलन के क्लासेस होते थे और फ्री होते होते 5-6 बज जाते थे, फिर मैं सब रिवाइज करके सब स्टडी करता था, सिर्फ आधा घंटा ही टीवी देखता था रिफ्रेश होने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने शेयर की माहिद जी, और साथ में पेरेंट्स भी हमारे बीच आज उपस्थित है, तो एज अ पेरेंट्स मैम, एज अ मदर, आप भी शेयर कीजिए कि आप कितना केयर, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ती थी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स का एक बेंचमार्क रिजल्ट जब अचीव होता है, तब स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत यहाँ पे लगता है और बहुत सारी मेहनत पेरेंट्स की साइड से भी होती है। तो कई पेरेंट्स भी शायद ये इंटरव्यू देख रहे हो, तो उसे भी आइडिया है एज अ मदर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी क्या मेहनत ज्यादा थी। ऐसे पेरेंट हम तो उसको जो पढ़ते हैं उसमें उसका सपोर्ट ही करते हैं, मतलब उसने कुछ पेपर सॉल्व कर लिया तो वो चेक करना, उसके डाउट्स और लोगों को भेजना, वो सब, खाने पीने का ध्यान रखना। 100% और स्पेशली एज अ फादर सर, आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें जो माइंड की सक्सेस में कहीं बहुत मैटर करता है, तो आप भी जरूर शेयर करें। भी कहते हैं सर कि एक बैलेंसिंग अप्रोच रखना जरूरी है, right. कि ये पूरा एक स्टेज ऐसे आता है जैसे कि जिसमें
डाउनफॉल भी आता है और ऊपर भी थोड़े जाते हैं। तो जब वो नीचे होता है तब वी एज अ पेरेंट हम लोगों का रोल ऐसा होता है कि हम ये कोशिश करें ये इतना डिमोटिवेट ना हो जाए, क्योंकि ये ओलंपियाड जो होते हैं ये इनका लेवल काफी डिफिकल्ट होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक ऑल्सो। और मे बी शायद आपको पता होगा कि जो चार बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल्स लिए हैं केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में, इसमें बाकी के जो तीन बच्चे हैं वो ट्वेल्थ के बच्चे जो अभी जेडब्ल्यूई एडवांस देने वाले हैं। राइट, ही इज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड जिसने ये सीनियर ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पे उसने अचीव किया। राइट, तो ऐसा होता है कि कभी डिमोटिवेट होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो हम लोग वी ट्राई टू सी बेसिकली एज अ मदर ऑल्सो, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस पिछले 2-3 साल से उन्होंने बंद कर दिए। राइट, इसी का ख्याल रखने के लिए एटलीस्ट उसकी जो बेसिक नीड्स, और प्लस कोविड ने भी परिस्थितियां काफी खराब कर दी थी, ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन स्कूल्स ऑनलाइन ये सब लेक्चर्स और ये सब होता है, तो बच्चे और सब लोग एक ही कन्फाइंड एनवायरमेंट में रहते हैं, तो उन लोगों को काफी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये लोग देख के ये कोशिश करते थे कि रिफ्रेश हो जाए, मींस तो वो अपने आप को स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं। राइट, क्योंकि बहुत जरूरी है पेरेंट्स की साइड से सपोर्ट और ये केयर करना और ध्यान रखना, ताकि स्टूडेंट्स कहीं कहीं जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि वे हर दिन जरूरी नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है, कभी कभार आपका परफॉर्मेंस जहां पर डल पड़ता है तहां पर टीचर्स का तो मोटिवेशन आपको कोचिंग से स्कूल से मिल ही जाएगा, लेकिन ये पेरेंट्स का मोटिवेशन एक स्टूडेंट को बहुत इंस्पायर करता है और वो रियल मोटिवेशन के तौर पर काम करता है। मई जी, जैसे ओलंपियाड के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसे अभी आपने शेयर किया कि भाई जीएसओ के अंदर भी आपने गोल्ड मेडल अचीव किया, इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी आपने सिल्वर मेडल अचीव किया, देखो ओलंपियाड का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से स्टूडेंट अपियर कर सकते हैं, और ये पैटर्न एक फॉर्मेट क्या होता है, अगर आप वो शेयर कर सकते तो बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया है। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 9th-10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, वो इंडिया में सबसे पहला स्टेज होता है NSEGS, उसको क्वालिफाई करने के बाद उसमें से हर स्टेट का कोटा होता है और हर स्टेट के गिवन नंबर ऑफ सीट्स होते हैं और उस स्टेट्स में से उतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर स्टेज टू होता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं और उसमें से वापस शॉर्टलिस्ट होता है 35 स्टूडेंट्स जिनको बॉम्बे HBCSE इन्वाइट करते हैं कैंप के लिए, और वो कैंप थ्रू आउट 15-16 डेज का कैंप होता है जिसमें पहले थोड़ा वो लोग नॉलेज देते हैं, फिर वो लोग टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के हिसाब से वो लोग टीम इंडिया शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर जाके वो टीम इंडिया का एक प्री डिपार्चर कैंप होता है जिसमें वो लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं हमको ओलंपियाड उसके लिए और फिर फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सेम ये IJSO के लिए था, और जो सीनियर ओलंपियाड्स है वो 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, वो बेसिक फॉर्मेट सब में सेम ही होता है, फर्स्ट लेवल होता है NSEC, NSEP, NSEB और फिर उसके बाद सेकेंड लेवल एंड देन कैंप, उससे सिलेक्शन और फिर PDC। राइट, और सर साथ में आप ये भी शेयर जरूर करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप जूनियर ओलंपियाड में और सीनियर ओलंपियाड की अगर बात करें तो वहां पे सब्जेक्ट कुछ ऐसे चूज करने रहते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं? जूनियर साइंस में तो सारे सब्जेक्ट ही होते हैं, पेपर फुल ही आता है। सीनियर ओलंपियाड में हर एक सब्जेक्ट डिवाइड हो गया होता है, फर्स्ट और सेकंड लेवल तो आप सबके ही दे सकते हो, मतलब जिसमें सेकंड लेवल क्लियर हुआ है वो आप सेकंड लेवल भी दे सकते हो, लेकिन सेकंड लेवल के फॉर्म भरते तो आपको एक प्रायोरिटी देनी होती है कि अगर आप एक से ज्यादा कैंप में सिलेक्ट हो गए तो आप इस कैंप में जाना प्रेफर करोगे और आपका फिर एक ही कैंप में सिलेक्शन होगा। मेरा पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट के लिए कैंप के लिए मैं एलिजिबल था, लेकिन मैंने केमिस्ट्री प्रेफरेंस भरा था इसलिए मेरा केमिस्ट्री में सिलेक्शन। राइट, आप आगे जाके कोई एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, भले आप हर कोई सब्जेक्ट में आप भले पार्टिसिपेट करें और एलिजिबल होने के बाद भी आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना रहेगा। वहां पे केमिस्ट्री आपने सिलेक्ट किया, और जैसे सर ने बात शेयर की कि भाई सभी सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट आपको जूनियर ओलंपियाड में एग्जाम नहीं देनी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं।
तो इस प्रकार आप ओलंपियाड को भी टारगेट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहे कि यहाँ पे जो टफेस्ट लेवल है, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा या हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे परिवार में कोई अभी तक कोई भाई या बहन ने कभी ओलंपियाड विनर नहीं हुए या पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं कहां से लूं, ये बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं। तो शायद आपने बहुत सारा सर्चिंग किया है, आप इसके अंदर बहुत सारे अचीवमेंट लेके आए हैं, तो आपके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन के लिए या प्रिपरेशन के लिए कौन से मटेरियल, कौन से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने पड़ते हैं? मटेरियल तो एक तो जैसे फर्स्ट लेवल होते हैं इनिशियल, उसमें बेसिक स्कूल नॉलेज और उससे जैसे ये जेईई और उसके नॉलेज से हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट लेवल्स होते हैं उसमें थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग चाहिए होता है, तो वो फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ के वो नॉलेज ले सकते हैं। और साथ साथ में कई स्टूडेंट को ये भी लगता होगा कि भाई ये ओलंपियाड की प्रिपरेशन में कहीं मेरा बोर्ड या तो 11th या तो 12th मेरा स्कोर करना ना रह जाए, वहां पे जो मेरा फोकस है जेडब्ल्यूई और नीट जो मेरा फोकस है वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, तो इनमें ऐसे कितने चांसेस है, या तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट होता है? थोड़ा ओलंपियाड का पोर्शन यहाँ के पोर्शन से थोड़ा ऑफ बीट तो है, लेकिन वो आपकी थिंकिंग इतनी बढ़ा देगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। राइट, क्योंकि एक लेवल अब की ये प्रिपरेशन है, अगर आप वो कर सकते हो तो वहां से एटलीस्ट जैसे मैं जी शेयर कर रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस जो है आपको जो कि ये चैलेंजेस का सामना जो करना है वो आप बहुत अच्छी तरीके से और इजीली कर पाओगे, क्योंकि एक लेवल अब की हिसाब है। अब मेजोरिटी अगर कोई स्टूडेंट आप जैसे अभी प्रिपरेशन 12th के लिए भी कर रहे हैं, वहां पे भी आप टारगेट जो कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे आपने जो ये गोल बनाया होगा या आपकी प्रिपरेशन में जब भी आप हताश हुए, मायूस हुए या कॉन्फिडेंस लूज हुआ या कभी कभार ये थिंकिंग हुआ कि यार मेरे से होगा कि नहीं, जब डाउट वाले दिमाग में जब क्वेश्चन चलते हैं तो उस टाइम आप कैसे रिचार्ज होते थे? क्योंकि हर कोई मोबाइल को जैसे रिचार्ज करना पड़ता है, स्टूडेंट को या कोई भी शख्स हो उसे रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए मेन चार्जिंग क्या था? मम्मी पापा ही मेन चार्जिंग पॉइंट है मेरे, राइट, एंड वो मुझे एकदम मस्त सब मोटिवेट कर देते हैं और बूस्ट अप कर देते हैं। राइट, और साथ साथ में आजकल आपके जो क्लासमेट या तो आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th में, तो वहां पे एक सोशल मीडिया जो है, एक शायद वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मेजोरिटी यूथ का चाहे वो 11th के 12th के वहां पे टाइमिंग उसका कहीं ना कहीं ज्यादा जा रहा है, तो आप तो सोशल मीडिया यूज करते थे, अगर करते थे तो कितना टाइम करते थे, और जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे उसके साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहे तो क्या करें? मैं फेसबुक और उस सब पे नहीं, व्हाट्सएप पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो फैकल्टी से डाउट्स और वो सब व्हाट्सएप पे अभी सॉल्व हो रहा है। राइट, तो जब कोई नीड होती है तब यूज करता हूँ ज्यादा। और मैं जी अभी जो आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो प्रिपरेशन में अगर आपका जो टाइमिंग अभी जो टाइम टेबल है वो आपका स्केड्यूल आपका अभी की प्रिपरेशन अभी का टाइम टेबल किस प्रकार से रहता है? तो पहले तो स्कूल होती है 12 o'clock से, और उसके बाद एलएन के क्लासेस होते हैं वो 5 to 6 तक होते हैं, और फिर बचा हुआ टाइम सेल्फ स्टडी होता है। राइट, और इनमें आप स्टडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और टेक्निक्स अगर आप यूज कर रहे हो स्टूडेंट के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं? टिप्स और टेक्निक्स तो मैं जो फैकल्टी मुझे कह रहे हैं वही मैं कर देता हूँ, जो होमवर्क डे टू डे आता है उसको खत्म करता जाने का, मतलब ऑलवेज ऑन द सेम पेज रहने का। राइट, मतलब डे टू डे जो वर्क है वो कहीं आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बन सकती है। और ये कोई ऐसा मंत्र जो मंत्र या तो वो रास्ते पे चल के आपको अभी तक जो सफलता मिली वो मिली, अगर वो कोई सीक्रेट आप शेयर करना चाहे कि भाई ये तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, उसके जरिए ही आपको सफलता हासिल होगी, तो अगर ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहे? मैं वैसे मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसमें वो कैप्टन अमेरिका का एक डायलॉग होता है आई कैन डू दिस ऑल डे, तो वो हमेशा मुझे ऐसे दिल में लगता है और वही मेरा मंत्र है। इनफैक्ट एक दिन संडे को हमारी केमिस्ट्री की क्लास लगी थी, वो सुबह कुछ 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चली थी। Right. वो पूरा मैराथन क्लास था और मैं बिल्कुल नहीं थका था पूरी क्लास में, मतलब आप देखने जाए तो नियर 14 घंटे 14 घंटे की कंटिन्यूअस मैराथन लेक्चर था, वो बीच में ब्रेक वगैरह तो हो गए, लेकिन ये एक सब्जेक्ट को लेकर इतनी स्टडी करना तो ये विदाउट इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। और ये जो सर के गाइडेंस, सर के सपोर्ट और एलन जो इंस्टीट्यूट है वहां पे ये जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन इसकी हुई है, तो ये एलन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि यहाँ पे ये माहौल, ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं प्रोवाइड होता है। और साथ साथ सर आपने अगर देखने जाए तो बहुत सारी और भी एग्जाम्स कहीं ना कहीं क्रैक की है,
और मैं जो ये बात कर रहा था कि भाई साथ में आपकी जो टेंथ में जहां पे जूनियर पे फोकस किया, यहां पे इंटरनेशनल ओलंपियाड पे फोकस किया, तो एक बार अभी आप ट्वेल्थ में आपका टेंथ का रिजल्ट भी जरूर एक बार आप बोर्ड का शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट को ये बल्फ हो जाए कि नहीं भाई ओलंपियाड से भी स्कूल के रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। टेंथ स्टैंडर्ड के दिसंबर में मैं आईजेएसओ के लिए मैं दोहा गया था और टेंथ और उसी के मार्च में मेरे बोर्ड्स के पेपर थे और मेरे 98% मार्क्स आए, तो इससे बोर्ड्स और उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। राइट है, बहुत सारे फ्रेंड अगर सिर्फ बोर्ड को ही टारगेट कर रहे हैं फिर भी हम 98 तक नहीं पहुंच पाते, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई स्टूडेंट कर पाए, लेकिन पॉइंट इज दैट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर करने जाए, अगर मन हो, अगर लगन हो, अगर सही राह हो, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। और साथ में अगर आप देखने जाए तो केवीपीआई है, एनटीएससी है, बहुत सारी और भी एग्जाम्स आपने पास किए। अगर मैं एक एक एग्जाम की बात करूं तो बहुत सारी एग्जाम है, उसका लिस्ट की अगर शेयर करूं तो आप भी थक जाओगे कि इतनी एग्जाम, हाउ इट इज पॉसिबल कि ट्वेल्थ तक पहुंचते पहुंचते आप इतने सारी एग्जाम्स में अपियर करो और अपियर ही नहीं सिर्फ वहां पे छोटा बड़ा अचीवमेंट भी आप हासिल करो, तो हाउ इट इज पॉसिबल ये आपके सामने एग्जाम पर है, तो वो एग्जाम के बारे में भी अगर आप स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके तो। एनटीएससी क्लास 10th की एग्जाम होती है, उसमें फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टेट कंडक्ट करता है, और उसमें से बच्चे सिलेक्ट होते हैं एंड सेकेंड स्टेज इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसमें से जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो एनटीएससी स्कॉलर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट हर मंथ स्कॉलरशिप देती है। सिमिलरली केवीपीवाई इज कंडक्टेड बाय आईआईएससी बैंगलोर, उसमें भी जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको केवीपीवाई फेलोशिप मिलती है। राइट, और ये सारी एग्जाम्स अगर क्रैक करते जैसे केवीपीवाई, एनटीएससी, ये सारी एग्जाम क्रैक करके क्या बेनिफिट होता है, मतलब आपको कुछ अलग कुछ एडवांटेज वगैरह मिलते हैं? केवीपीवाई मतलब ऐसा है कि केवीपीवाई से केवीपीवाई में अच्छी रैंक आने से आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन एक सिक्योर हो जाता है, उससे हम जेई पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके उसको एकदम फ्री माइंड से दे सके, बैकअप जैसे हमारा बैकअप रेडी हो गया। राइट, और एनटीएससी के बारे में कुछ? एनटीएससी एक अपने प्रोफाइल में एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि वो गवर्नमेंट कंडक्टेड एग्जाम है और आपने लिया है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है आपके प्रोफाइल में। यस फ्रेंड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मई जी ने आपके साथ शेयर की, और मई जी एंड में अगर हम बात करें, अगर इंटरव्यू को कंक्लूड की ओर ले जाए तो आपका जो जनरल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक की आपकी जो सफर है, अभी तक के आपके जो अचीवमेंट है, वहां से अगर आपको एक पॉइंट सजेशन देना चाहे जो स्टूडेंट्स को, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि नेवर गिव अप, बिकॉज रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएगी, कभी डाउनफॉल्स भी होंगे। जैसे आईजीएसओ में 9th स्टैंडर्ड में मैंने अटेम्प्ट किया था लेकिन मैं सेकेंड लेवल क्लियर नहीं कर पाया था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं वापस बहुत तैयारी की और उससे मेरा अगले साल टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया और गोल्ड मेडल आया। और ज्यादा क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में ना सोचे, मतलब आयरन मैन का एक डायलॉग है, समटाइम्स यू गॉट अ रन बिफोर यू लर्न टू वॉक, इसका मतलब पहले ज्यादा एक बार चालू हो जाए फिर वो अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे अपने आप। और बहुत बहुत अच्छी बात आपने शेयर की, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी आज हमारे बीच उपस्थित है, तो पेरेंट्स को सर आपकी साइड से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारा मैसेज तो यही है कि बाकी सब पेरेंट्स को हमारा मैसेज यही है कि ऑलवेज बी विथ योर चाइल्ड इन केस ऑफ एनीथिंग, बराबर, यू ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट हिम और हर, बराबर, क्योंकि मे भी शायद हम लोग ये बात महित को यही कहते हैं कि अगर आपका जो कोई भी बेस्ट फ्रेंड होगा तो वो आपके पेरेंट्स ही होंगे और कोई नहीं होगा। 100%, और ये चीज बहुत कुछ कही जा रही है फ्रेंड्स, इतना ही नहीं कि ये लाइन में बहुत कुछ छुपा है और एज अ पेरेंट्स आप वो सारी चीज समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात मई जी के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, मेजोरिटी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सिर्फ वो स्टडी में सुबह शाम बस कोचिंग, स्कूल, पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी हम देखते हैं। भाई जी, अगर आप अपनी हॉबी के बारे में बात बताएं तो आप क्या शेयर करना चाहोगे? मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है, बाहर का खाना बहुत पसंद है और मैं मूवीज तो बहुत देखता हूँ। आप कोई भी नई मूवी का नाम बता दो, मैंने ना देखा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्वल की सारी मूवीज देखी है, यहाँ पे मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, बॉलीवुड की जो मूवीज है आप कोई भी डायलॉग बोल दो
मैं बोल दूंगा। इनफैक्ट एक बार पापा जब भी कभी कभार मुझसे टेंस्ड हो जाते हैं कि क्या होगा मेरा ये, तो मैं उनको पूछता हूँ कि तू मुझ पे भरोसा है, बोलते नहीं मैं वेरी गुड। अभी हम ऐसा कहते हैं कि अभी दो दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, कभी 11 12th में जो बच्चे आते हैं और वो इतने सारे ओरिएंटेड हो जाते हैं कि अंदर घुस जाते हैं कि कभी कहते हैं कि वो साल में सिर्फ 4 पिक्चर देखते हैं, राइट। तो हमने अभी बात की थी, मैं को कहा था कि हम 4 दिन में एक पिक्चर कंप्लीट करो, जब तक आप रेफरेंस नहीं हो गए, जब तक आप फ्रेश नहीं हो गए, तब तक आप कुछ नई चीज लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद बोर हो जाओगे। और मेजोरिटी सर मुझे लगता है स्टूडेंट के साथ यही होता है, क्योंकि एक ही दुनिया के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो कहीं कहीं उनमें ही एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। ये कोविड की वजह से भी ये काफी कुछ हुआ है। मे बी शायद इफ वी ट्राई टू टेक सम पॉजिटिव्स फ्रॉम इट, कि कोविड में थोड़ा वेट गेन उसका हो गया था, तो ही हैज वर्कड ओवर इट, उसने ट्राई किया कि वो अपने आप को फोकस रखने के लिए उसने हैज रिड्यूस 12-13 केजीज ऑफ वेट लास्ट ये 6-7-8 मंथ्स। तो और ऐसा नहीं है सर कि उसमें कोई खाने का रिस्ट्रिक्शन है, ही इज डूइंग वर्कआउट ये सब करके और वो अपने आप को वो बैलेंस करने की कोशिश है। तो आई थिंक प्रोबेबली आगे जाके अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आल्सो हेल्थ प्लेज अ मेजर रोल, राइट। हमें ऐसा लगता है, हम लोगों को कंसर्न हो गई थी जब उसका वेट वो थोड़ा बढ़ गया हैवी वेट, तो हमें टेंशन हो गई थी कि ऐसा ना हो कि कोई आगे जाके कोई बीमारी आ जाए या कोई प्रेशर वेशर या ऐसा कुछ लग जाए। तो ही टुक इट सीरियसली एंड उसने अपने आप को मोड़ दिया और उसने वेट किया। तो उसकी वजह से यानी कभी ऐसा नहीं होता है कि अकेला पढ़ाई नहीं करना, तो उसके साथ उसने उसके पीछे भी टाइम स्पेयर किया हुआ है। वर्कआउट से आपकी मेमोरी बढ़ जाती है 100%, दो बेनिफिट है, तो मेमोरी का भी है और फिजिकल फिटनेस, कंसंट्रेशन, फिजिकल फिटनेस, एक बार एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। इनफैक्ट मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ, मैं अभी वापस ब्लैक बेल्ट N2 के एग्जाम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स शायद आप सोच रहे हो कि ये कितना मैनेज करते हैं और कि फिजिकल फिटनेस के लिए वर्कआउट भी करना, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, ऐसा नहीं कि माइक ड्रॉप और स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, आपके साथ रेगुलर स्टूडेंट ही है और ये अगर कर सकता है माइक तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट की बात हाँ, लेकिन आपका टाइम मेजोरिटी शायद जहां पे जा रहा है उसकी जगह पे बस ये काम ये कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ये डाइवर्ट करके आप भी इससे लर्निंग लेकर बहुत सारी चीज कर सकते हैं। माइक जी अगर आपके गोल के बारे में बात करें, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट इज योर गोल, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, अगर वो शेयर कर सके तो भी स्टूडेंट को कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा। अभी मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए बाहर भी अप्लाई, यूएसए में भी अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, वहां पे जाके मैं केमिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहता हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये गोल है तो हम भी, अगर आपके पास भी कोई गोल नहीं है तो आप भी गोल डिजाइन कर सकते हैं, आप भी गोल बना सकते हैं, क्योंकि विदाउट गोल विदाउट डायरेक्शन आपको पता नहीं लगेगा मुझे किसके लिए एफर्ट्स करनी, किसके लिए मेहनत करनी। तो ये थी माइक जी की कुछ सक्सेस स्टोरी और उसकी एफर्ट्स, उसकी मेहनत, उसके अचीवमेंट और उसकी जो टिप्स है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है और ओलंपियाड के बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज हमारे इस इंटरव्यू के पीछे का पर्पज था। आई होप कि पेरेंट्स की बातों से, माइक जी की बातों से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन आपको मिला होगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग हर बार हमारे चैनल पे आके वीडियोस देखते हैं। आल्सो थैंक्स टू एलन इंस्टीट्यूट हु जस्ट गिव मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कशन विद मिस्टर माहित जी एंड हिज पेरेंट्स। सो थैंक यू एलन इंस्टीट्यूट एंड थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स, आप हर बार हमारे चैनल पे आके हमें इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार करते, वीडियो को लाइक करिए, आपके ग्रुप तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये अवेयरनेस और भी बढ़े और भी बहुत सारे अचीवमेंट हम आने वाले कल में आपके जरिए भी ला सकते हैं, वैसे सोच बनाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।